हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लैडर ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है और ब्लैडर ट्यूमर सुपरफिशियल आया है, मसल इन्वेजन नहीं आया है, तो डॉक्टर्स आपको इंट्रावेसिकल थेरेपी के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप समझ पाएंगे कि इंट्रावेसिकल थेरेपी कैसे देते हैं, किन किन कंडीशन में देते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और कब कब देना चाहिए और किस प्रोटोकॉल में देते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। इंट्रावेसिकल थेरेपी दो प्रकार की होती है, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम लोग बीसीजी थेरेपी देते हैं और कीमोथेरेपी के अंदर माइटोमाइसिन सी देते हैं। माइटोमाइसिन सी और बीसीजी के अंदर किन कंडीशन में देते हैं? बीसीजी का मेनली हम लोग प्रिफर करते हैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज ये आपके रोग के प्रोग्रेशन मतलब आपका T1 से T2 स्टेज में जाने से रोकता है, प्रोग्रेशन को रोकता है, प्लस रिकरेंस को भी रोकता है कि बार बार ट्यूमर होने से भी आपको बचाता है। परंतु माइटोमाइसिन सी आपको केवल प्रोग्रेशन को नहीं रोकता है, ओनली रिकरेंस से बचाता है। तो हम लोगों को ऐसे प्रोग्रेशन और रिकरेंस दोनों रोकने के लिए बीसीजी थेरेपी फर्स्ट चॉइस होती है। अब बात करते हैं ये बीसीजी थेरेपी होती क्या है। ये आप लोगों ने बचपन में सभी ने बाएं तरफ के शोल्डर पे एक इंजेक्शन लिया है, जिसको हम लोग टीबी का इंजेक्शन या वैक्सीन बोलते हैं। ये बीसीजी वही है, बट ये माइकोबैक्टीरियम बोविस एक वीक स्ट्रेन से तैयार किया जाता है। इसकी डोज 40 से 80 मिलीग्राम या 120 मिलीग्राम तक देते हैं। 40 से लेकर 120 मिलीग्राम तक की बीसीजी डोज को हम देते हैं। अभी बीसीजी देने के इंडिकेशंस क्या है? जगह आपका हाई ग्रेड ट्यूमर यानी G3 ट्यूमर है, इंटरमीडिएट ट्यूमर मतलब G2 ट्यूमर है, और आपका सुपरफिशियल ट्यूमर है लेकिन जीवन है, लेकिन बहुत सारे ट्यूमर थे आपके, या मोर देन 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, ऐसी कंडीशन में हम लोग बीसीजी थेरेपी देते हैं। अभी बीसीजी के इंडिकेशन की बात हो गई तो अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं जब आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है, किसी वजह से आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे आप रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या एड्स के पेशेंट हैं, या फिर आपके आप पहले कभी बीसीजी लिया था, उसकी बीसीजी सेप्सिस हुआ था पहले आपका, इस बार सेकंड टाइम ट्यूमर हुआ था, वापस सुपरफिशियल आया, तो हम लोग वापस बीसीजी का प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपके पहले की स्टेज के आपका बीसीजी सेप्सिस हो गया था और आप टोटल इनकॉन्टिनेंस, आप यूरिन एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में हम आपको बीसीजी थेरेपी नहीं दे सकते। या ग्रॉस इमेच्योरिया हो रहा है आपको, बिल्कुल ग्रॉस इमेच्योरिया मतलब आपके यूरिन में प्योर ब्लड ही ब्लड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप बीसीजी थेरेपी नहीं दे सकते। और लास्ट में जब आपका कैथेटर किया जा रहा है, उस समय अगर ट्रोमा हो गया है, ऐसी कंडीशन में हम लोग बीसीजी थेरेपी नहीं देते हैं। अब कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उनके अंदर फिर भी हम बीसीजी थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि आपको लीवर डिजीज है, या आपको प्रीवियस पहले ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है, या एडवांस ब्लैडर कैंसर है जिसमें आप लोग सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते, रेडिकल सर्जरी नहीं कर सकते, उसमें भी बीसीजी थेरेपी देते हैं। ये तो बात हुई इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन की। अब बात करते हैं आपको क्या प्रिकॉशन करने चाहिए बीसीजी लेने के पहले। बीसीजी लेने के पहले आपको एटलीस्ट 4 घंटे पहले फ्लूड इनटेक को, जो आप लिक्विड ले रहे हैं उसको नहीं लेना चाहिए, मिनिमम लेना चाहिए। टी और कॉफी का सेवन तो एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका यूरिन प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो बीसीजी थेरेपी देने के बाद में हमको 2 घंटे आपको यूरिन पास करने से रोकना होता है। अगर आप पहले से ज्यादा पानी पी लेंगे या फिर टी या कॉफी ले लेंगे तो आपका यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा और आप 2 घंटे तक यूरिन को नहीं रोक पाएंगे। 3 नंबर होता है, आप बीसीजी लेने के पहले इमीडिएटली पहले एक बार आप पिशाब करके आएंगे। अब आपने बीसीजी थेरेपी ले लिया है, बीसीजी थेरेपी कैसे देते हैं? एक इन्फेंट फीडिंग ट्यूब होता है, पतला ट्यूब होता है, जो आपके पेशाब के रास्ते से हम लोग पेशाब के थैली में देते हैं। फिर एक बीसीजी थेरेपी का 80 मिलीग्राम या 120 मिलीग्राम का हम सोल्यूशन को 40 ml नॉर्मल सेलाइन में मिला के बनाते हैं और आपके पेशाब के थैली में इंस्टॉल कर देते हैं और उस कैथेटर को निकाल देते हैं और आपको बोलते हैं 4 घंटे तक आपको पेशाब नहीं करना, सॉरी 2 घंटे तक आपको पेशाब नहीं करना है, 1.5 से 2 घंटे तक आपको पेशाब नहीं करना है, उसके बाद ही आप पेशाब करेंगे, क्योंकि बीसीजी को जो ब्लड सेल्स के ऊपर काम करने के लिए 1.5 से 2 घंटे की जरूरत पड़ती है। अब आपने ले तो लिया, अब उसके बाद में आपको क्या प्रिकॉशन करना है, उसके लिए आप जब भी पेशाब करेंगे बैठ के पेशाब करेंगे, ताकि आपका यूरिन स्प्लेज नहीं हो, चारों तरफ नहीं छिड़े। पेशाब करने के बाद में आपको उस पेशाब जहां किया है उसको अच्छी तरह वाटर से और ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन कर लेना अच्छा रहता है। आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको साबुन और पानी से क्लीन करना चाहिए और लास्ट में अपने हाथों को साबुन से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि बीसीजी थेरेपी के एटलीस्ट 6 घंटे तक जब आप पेशाब करेंगे
तो आप इस तरह आप पेशाब करेंगे, बैठ के पेशाब करेंगे, प्राइवेट पार्ट क्लीन करेंगे, जहां पेशाब किया है वहां पे उस एरिया को पूरा पानी से क्लीन करेंगे, और ब्लीचिंग पाउडर दे सके तो बहुत अच्छा है वहां पे, और लास्ट में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएंगे। अब इस बीसीजी का प्रोटोकॉल क्या है? इसके दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इंडक्शन साइकिल, एक मेंटेनेंस साइकिल। इंडक्शन साइकिल हम बीसीजी थेरेपी सप्ताह सप्ताह में 6 सप्ताह तक देते हैं। 6 सप्ताह देने के बाद में बीसीजी 6 सप्ताह में देंगे हम, उसके बाद में मेंटेनेंस साइकिल स्टार्ट। मेंटेनेंस साइकिल दो तरह का होता है, एक तो हम मंथली देते हैं 12 महीने तक का, दूसरा प्रोटोकॉल होता है आपको 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने पे, 18 महीने पे, 24 महीने पे, 30 महीने पे और 36 महीने के ऊपर सप्ताह सप्ताह में 3 सप्ताह तक बीसीजी थेरेपी देते हैं। 3 ईयर का प्रोटोकॉल है, 3 ईयर में 3 महीने के बाद में 3 सप्ताह तक कंटिन्यू, 3 वीक तक हमने बीसीजी दिया, फिर 6 महीने पे कंटिन्यू 3 सप्ताह तक, फिर 3 वैक्सीन दिया बीसीजी का, इंटरनेशनल बीसीजी थेरेपी दिया। इसी प्रकार 12, 18, 24, 30 और 36 महीने पे देते हैं। पर बहुत सारे लोग इसके बीसीजी के जो इम्यूनोथेरेपी होती है उसके साइड इफेक्ट की वजह से 3 सप्ताह का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, इसलिए आजकल ज्यादातर डॉक्टर्स 1 साल वाला जो मंथली वाला प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। आपके क्या इसके साइड इफेक्ट है? कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी चिंता नहीं होती। आपको फेवरिश लगता है, आपको फटीग लगने लग जाता है, आपको पेशाब में थोड़ा जलन हो सकता है, पेशाब बार बार भी जाना पड़ सकता है, पेशाब में थोड़ी अर्जेंसी रहती है और हल्का बहुत ब्लड आ सकता है। लेकिन सीवियर साइड इफेक्ट क्या होते हैं? आपको बीसीजी सेप्सिस हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, आपको लिवर के अंदर हेपेटाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी एक हो जा सकता है, और जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, आपको उसके लिए 3 से 6 महीने तक की मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड, आज हमने बात किया इंटरवेंशनल बीसीजी की थेरेपी के बारे में, कि बीसीजी थेरेपी क्या होता है, कैसे लेते हैं, किन कंडीशंस में लेते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसका प्रोटोकॉल है, और पेशाब इसके बीसी लेने के पहले और बाद में आपको किन प्रिकॉशन का फॉलो करना चाहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।